पैसे भी अच्छे होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप किस एक्टर से इंस्पायर्ड हैं जो आपको लगता हो कि हमारी इस लीग में या आपकी लीग में कोई बहुत क्रेजी एक्टर रह चुका हो या है? Who do you feel looks really good on screen? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं चला जाता हूँ फिर मेरा नाम ले लेना। नहीं नहीं बताइए, तो बिल्कुल सामने की बात है, फहद मुस्तफा, शान, फवाद, ये तीनों, ये यू थिंक दे आर लाइक दे लुक वेरी गुड ऑन स्क्रीन? सही है। आपको? फहद मुस्तफा और दूसरा भी फहद मुस्तफा, तीसरा भी नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है शान जो है ना वो एक हम में से किसी में वो बात नहीं है जो उनके अंदर है, ठीक वो है? एक कंप्लीट पैकेज मुझे लगते हैं। ही डजंट वर्क टू मच, आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन कि वो आई डोंट नो वो क्यों नहीं करते, बट इस सिनेमा को ऐसे लोगों की जरूरत शुरू में होनी चाहिए थी और हम लोग तो बहुत बाद में ये हमने शुरू किया। उन्होंने काफी काम किया है सिनेमा पे, बहुत ज्यादा काम किया है, बेशुमार फिल्में यार, न्यू एज फिल्म और एक पोटेंशियल है मेरे ख्याल से, जो उनमें पोटेंशियल है वो सही तरह नजर नहीं नजर आया। यस, व्हाई हैवंट यू प्रोड्यूस समथिंग और यू प्रोड्यूस समथिंग टू कास्ट हिम? हमारी अपनी तो पहले बन जाए पूरी। ये बात सही है वैसे, मतलब जिस तरह हम ड्रामे बनाते हैं ना साल के 8-10 फिल्म, उस तरह फिल्म बनानी चाहिए ना, उस तरह फिल्में बननी चाहिए थी जो कि नहीं बन रही, तो कोरोना की वजह से वैसे ही, मतलब एटलीस्ट 2-3 अब साल की एक बनाते हैं तो अपना ही शौक पूरा हो जाता है, ऐसे ही है, दूसरी बनती नहीं, तीसरी बनती नहीं। तो मैं मेरी कोशिश होती है कि मैं फहद को लूँ, फवाद को लूँ, हमजा को लूँ, तुम्हें लूँ। तो हम सबको तो आपने लिया, तो एहसन को क्यों नहीं लिया आपने? एहसन को हर कितने ड्रामों में ऑफर किए, उस दिन हमारी एक मीटिंग हुई, टाइम ही नहीं होता। फिल्म की बात हो रही है, आप ड्रामा ना करें, आप वही फिल्म का तो वही है ना, अपनी तो फिल्म के लिए भी आ चुका है फोन, फिल्म के लिए भी कर चुके मुझे ऑफर। हाँ क्या क्या बोला? नदीम भाई ने फोन किया, हमायूं सईद ने मुझे फोन किया, आई रिमेम्बर के बोला कि हम फिल कर रहे हैं, देख लेना। नहीं नहीं नहीं, इसको पंजाब नहीं जाऊंगी मैं। हाँ यस, सी कौन सा रोल? बस जो भी रोल था अपना रोल। अरे छोड़ो, इसकी मुझे नहीं थी, हाँ इसकी मुझे नहीं थी। अच्छा भाई मुझसे तो बाहर निकले, एक मिनट मुझे मेरी जात छोड़ो भाई, एक मिनट यार, एक मिनट मेरी जात छोड़ो, मुझे ये बताए एक स्टंट किया था वो जवानी फिर नहीं में भागने वाला रोड पे, कोई यू आर रनिंग ऑन द रोड, जब नदीम बेग कोई वाक्य है मुझे बताएं क्या हुआ था, यू आर रनिंग ऑन द रोड ऑपोजिट डायरेक्शन भागना था भाई, उसमें ये था कि गाड़ियां जो है जो गाड़ियां सामने से आ रही हैं और मैं ऐसे मेरे हाथ बंधे हुए और मैं यूं भाग रहा हूं, ऑपोजिट साइड तो जो गाड़ियां थी वो सब उन्होंने ज़ाहिर हायर की हुई थी, तो वो क्या करते थे कि मेरी तरफ गाड़ी जोर से लाते थे, तेजी में लाते थे और फिर एकदम से गाड़ी मोड़ते थे। तो आप ऐसे खड़े भी हो जाओ ना और आपके सामने से गाड़ी आ रही है, तो आपकी जान निकल जाएगी ऐसे, ठीक है ना? तो मैंने उनको, मैं उसमें जरा सा डर रहा था, जब मैं भागते हुए जाऊंगा बड़ी हिम्मत से आगे जाके मेरी जान निकल जाए, तो जरा सा मैं बिल्कुल उस वक्त जब वो मेरे करीब आने लगती थी तो आप तो कॉन्शियस हो रहा था, तो उसके ऊपर नदीम ऐसे बोल रहा था कि इतना हैरान हो रहा था कि भाई तुम डर क्यों रहे हो? तो मैंने कहा भाई मैं डर इसलिए रहा हूं कि गाड़ी करीब आ रही है, अगर उससे गलती हो जाए, आपको लगता है कि exactly जैसे कि वो सीधा ही चढ़ा दे आपके, ऑब्वियसली मैं यूं आऊं आपकी तरफ तो आप भी डरेंगे ना, मेरे आने से डरेंगे तो गाड़ी आ रही है सामने से। बिल्कुल सही है। तो तुम्हें किसने बताया वैसे? बस हमें पता है, देख लें। फहद ने भी एक स्टंट उसमें किया उल्टा लटक के, कुछ क्या हुआ था? हाँ स्टंट तो किया, किसी को पता ही नहीं चला, मजे की बात ये थी। क्या मतलब है? एक जो करने में बड़ी बात लगती है, लोग देख रहे हैं, गुजर गया बस भाई, बॉडी डबल आया उसको लटकाया हुआ था उल्टा, और ये लोग सारे मतलब जो हमारा क्रू था सारा वो नीचे थे, इट वॉज 15th or 17th floor प्रॉब्ली, और वो जो बॉडी डबल था उसको उल्टा लटकाया बैल्कनी से, तो वो चीखना शुरू हो गया, उसकी हालत टाइट हो गई, कुछ शुगर लेवल्स डाउन हो गए, उसको हटा दिया। अब वो इतना हबड़ दबड़ हुआ कि इन्होंने फौरन से मुझे कहा कि आओ बस चलो, बस चलो कर लो, और मुझे लटका दिया। मुझे लटकने के बाद एहसास हुआ, मैंने कहा ये तो मैं लटक गया हूं। और शॉट ले रहे, अच्छा कोई नीचे से बात भी नहीं कर रहा, सब गायब हो गए, बस वो लगे हुए, वो बॉडी डबल के बगैर मैंने पूरा काम किया, बॉडी डबल खड़ा हुआ उधर चुप करके ना, तो वो हो गया और वो तरीके से कर लिया, बट इट वाज वेरी स्केरी। उसमें हम दोनों लटके हुए उसमें, खैर ये उल्टा लटका था, आप बाद में लटके थे यार, वो जो पहाड़ से लटके थे, लटके थे यार, लेकिन मेरे साथ लड़की भी थी साथ, ऐसे ही है, आपके साथ लड़की थी ना, मैं अकेला था। हाउ बोरिंग, इनका तो लटकना, मजा आया होगा, ही मस्ट बी सो हैप्पी। मजा क्यों आएगा? क्या मतलब साथ कंपनी है ना यार, इसलिए मजा आएगा। तो उसको भी आया होगा फिर, जाहिर है उसको तो और ज्यादा आया होगा, तो उससे पूछेंगे कौन थी साथ बराबर है, कौन सी वाली लटक रही थी। हाँ
डेफिनेटली कुबरा से पूछना, कुबरा आएगी तो जरूर पूछेंगे। अच्छा, कोई ऐसा काम अपना किया हो जो दिल में आता हो कि यार ये मैंने क्यों कर लिया था यार? बहुत सारे काम ऐसे, कोई एक बहुत ही जो लगता हो कि व्हाई डिड आई डू दिस मैन। एक तो ड्रामा तुमने और मैंने दुबई में किया था। एक जमाना था जब आप फॉरेन लोकेशन पे चले तो जाते थे शूट करने के लिए, लेकिन परमिशन आपके पास होती नहीं थी। तो आप वो डायरेक्टर जाना, ऐसे ही करते थे, तो आप यहाँ खड़े हो जाओ, यहीं पे करो सीन, हर सनसेट, हर जगह से चल के आ जाओ, वहां से चल चल के इंसान परेशान, भाई क्यों आ रहा है, क्या लॉजिक है इसकी? जस्ट बिकॉज पीछे आपको कोई बुर्ज खलीफा वो दिख रहा है तो वो कर रहे होते थे। बहुत बुरे बुरे ड्रामे तो अमेरिका के अंदर, हमें वो फलाने मॉल की परमिशन नहीं है तो आपा सुल्ताना दूर खड़ी हुई है, वहां से चल के आओ, वहां से चल के आ जाओ लिटरली। अच्छा, फैसल बुखारी इतना अच्छा कैमरामैन होता था कि वो पता भी, वो ऐसे रखता था कैमरा जैसे उसने कैमरा पकड़ा हुआ है। या। ये भी इस तरह पूरी पूरी शूट, पूरा पूरा सीन, माइक लगे हुए, हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, पूरा सीन हो गया। ठीक है, हमारे से तो कोई ऐसा काम जो रिग्रेट होता कि यार ये मैंने बस क्यों कर लिया, इसको मैं इरेज कर दूं? इरेज कर ही नहीं सकते जो कर लिया। दिल में आता यार ये क्यों किया भाई? एक फिल्म थी मेरी, नो पैसा नो प्रॉब्लम। नहीं, अच्छी थी वो, अच्छी थी वो फिल्म। नहीं नहीं, मैं अपने कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। लड़की बन के लड़की बना था। हाँ, वो आज बननी चाहिए थी। हाँ, अब उस टाइम आप जैसे दिखते थे, अभी तो अवार्ड भी मिल जाता। नहीं, ऐसे ही दिखते थे यार उस टाइम भी। क्या मतलब कैसे दिखते थे? जैसे हैं अभी। तुम कैसे दिखते थे आज से 10-12 साल पहले? मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। कसम का, ऐसे ही दिखता था और क्या। हाँ, ऐसा ही, ऐसा पक्की बात है, तो बचपन से ऐसा दिखता हूँ। बकौल एहसन के, एहसन ने कहा मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। ये कहाँ से निकाला भाई? कोई गिफ्ट लाए यार? ये बंदा जो है ना, तुम गिफ्ट लाए उसके लिए? यार यार कुछ सीखे भाई, न्यू ईयर यार मेरे भाई, देखना फिर कैसा होगा। आई थिंक न्यू ईयर है, न्यू ईयर में इंसान को कोई जरूर इंसान चला देना, अपना पास नहीं भूलना चाहिए। और हीर रांझा द फिल्म 1 मिलियन प्लस व्यूज। अब आप चेक, ये बहुत पुराना नहीं है इसका, ये तो 5-6 साल पहले किया है इसने। और ये 5-6 साल पहले ऐसा था? हाँ। और ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं भाई, काम रिग्रेट? ऐसा नहीं था, 8 साल से पुराना नहीं है ये यार। एक सेकंड, एक मिनट, ये मुझे दे दे भाई। ये वो है ना, ये तो हम लगाएंगे तुम्हारे शो। सल्ली साहब ने बनाई थी, सल्ली साहब ने, वो सब पता है। ये नया है यार, एक मिनट। जब पहली बार मैंने पहनी तो ये पीटीवी से, क्योंकि पीटीवी का प्ले था, तो पीटीवी की एक वार्डरोब में से कोई विग निकाली, पुरानी कोई विग निकाली, तो मैं और सीन रेडी है, ट्रायल के लिए भी नहीं गए उसे, तो ये इसलिए ऐसी कंडीशन। बट इट्स अ गुड प्ले, अगर 1 मिलियन व्यूज है तो ठीक ही होगा। ये लेकिन ये किसने लिखा ऊपर? अबव 1 मिलियन है। अब ये वॉच मोर, चेक करो। हाँ यार, लिखा क्यों? एक मिनट, पता सब है, रात को चेक किया इसने जाके इसके। भाई अगर मिलियन पे तस्वीर लगाओगे वो कल को 5 मिलियन भी हो जाएंगे, तो क्या घर पे नहीं, मैं शो पे लगाऊंगा। कोई बात नहीं, फाद मुस्तफा ने गिफ्ट किया यार, तुमने दिए ना? मैंने दिए, तुझे वहां से तस्वीर निकाली 1 मिलियन। दिस वाज यूसुफ सलाउद्दीन प्रोडक्शन, अच्छा, पीटीवी प्रोडक्शन, एंड नसीरुद्दीन शाह साहब डिड द वॉइस ओवर रियली फॉर दिस प्ले। क्या बात है, वो आपको पता नहीं चला, एक अलग बात है। बट एनीवे गाइस।